हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एट झारखंड क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास टू पढ़ने वाले हैं जग भरमाए। ठीक है कि जग भरमाए का जो अर्थ है ये क्या है कि जो मतलब कि भरमाते भ्रमित करते हैं, ठीक है, संसार में भ्रमित करते हैं, इसका अर्थ ये है। और इनके जो लेखक हैं सोबरन, ठीक है, सोबरन साहब। अब यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग किन के बारे में जानेंगे, तो कवियों यानी कि लेखकों के बारे में जानेंगे। चलिए पहले पूरा पोएम पढ़ने से पहले, कविता पढ़ने से पहले हम लोग कवि का थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे सोबरन साय के बारे में कि सोबरन साय नागपुरी के एक विलक्षण कवि हैं। ठीक है, क्या है, विलक्षण कवि। मूल रूप से ये निर्गुण परंपरा के कवि हैं और वो जो जग भरमाए है निर्गुण ही है, समझ में आया। तो ये निर्गुण परंपरा के कवि हैं, समझ में आया। लेकिन इन्होंने राधा कृष्ण प्रसंग के भी अनेक गीत लिखे हैं, ठीक है, यानी ये कट्टर कबीरपंथी नहीं थे। नागपुरी समाज में इनके बीजक की तरह कृष्ण लीला के मधुर गीत भी बहुत लोकप्रिय हैं। बेड़ो के लक्ष्मण सिंह ने मुझे 27/8/1965 को बताया था कि करकरी गांव के सोमर सिंह की कॉपी में उन्होंने सोबरन के दद्धी लीला और सूरज पुराण के भी गीत देखे थे। तो किनके, ये कौन बताया था, लक्ष्मण सिंह ने, किनको, जो बुक रचित किए। नागपुरी संस्थान में बीजक सहित उनके कितने गीत मिले हैं, 118 गीत मौजूद हैं। अब चलिए देखते हैं बुरहू के मांडू राम के अनुसार, जो मांडू राम कहाँ थे, कहाँ रहते थे, बुरहू में, यही सोबरन साय लुदगो चैकरी के रहने वाले थे। तो ये सोबरन साय कहाँ के रहने वाले थे, लुगदू के, ठीक है, लुगदो के लुदगो चैकरी के रहने वाले थे। ये बुरहू से 3 कोस की दूरी पर था, ठीक है। ये दोनों गांव सोबरन साय के थे, मतलब कि दोनों गांव जो थे ये सोबरन साय के ही हैं, ठीक है। इनके भाई निरंजन साय और पुत्र बंधन साय। तो सोबरन साय के भाई का नाम क्या है, निरंजन साय, और पुत्र का नाम बंधन साय। मांडू राम के परिवार में इन्हें चौगरी गांव खरदा था, समझ आ गया, मांडू राम के परिवार में। तब से उनसे पता चला, ईश्वरपाल देवधरिया ने सुना था कि सोबरन साय का एक पुत्र सोंझर साय है, बड़ा पहलवान था। तो सोंझर साय कौन थे, बड़े पुत्र थे और वो क्या करते थे, पहलवान थे। एक बारात में वह हाथी को अपने कंधा पर उठाकर चल रहा था। सोबरन साय पालकोट नागवंशी राजा जगन्नाथ सहदेव के समकालीन थे, ठीक है। सोबरन साय किसके समकालीन, समकालीन का अर्थ है कि उनके ना समान समय में जन्म लिए, ठीक है, और उनका उसी समय ये निधन हुआ। कहने का अर्थ ये है कि समान है ना, समान काल में उनके जगन्नाथ सहदेव के समय ही थे वो। जगन्नाथ सहदेव का राज्यकाल कब से कब था, 1821 से 1868 तक माना जाता है। तो देखिए इनका भी जो है यही माना जाएगा, सोबरन का भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सोबरन की साय के गीत हैं साक्षी। उनके काव्य प्रतिभा थी, वे उदात्त व्यक्तित्व के थे। इनके निर्गुण गीतों में कबीरपंथी भाषा और प्रवृत्तियां भी थी। तो इनकी देखिए कबीरपंथी भाषा भी थी इनके गीतों में और प्रवृत्तियां भी थी कबीर बीजक की तरह। लेकिन इनके कृष्ण लीला के गीतों को भी भाषा ठेठ नागपुरी शैली जो है ग्रहण करती है। अब हम लोग पढ़ने लायक हो गए क्या चीज, अब हम लोग पढ़ेंगे पोएम, ठीक है। पूरा कविता को एकदम ध्यान से देखिएगा, टोटली एकदम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो और जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो ये कविता में लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम खुद से बोल रहे हैं, और बात सही भी है। देखिए तो यहाँ क्या है, पांडे जग भरमाए कपट महारूप भेख लखाए, जनेऊ सेली टोपी माला जे तस ओही पंडित ज्ञानी कवि काजी मियाँ बड़ मौलवी कहाए। ये देखिए ये भक्ति निर्गुण है, भक्ति धारा ये जो है निर्गुण में ये गाया हुआ है कि पंडित लोग खुद कपटी होकर जग को भरमाते हैं। देखिए पांडे जग भरमाए कपट महा रूप भेख लगाए, मतलब खुद से कपटी है ना और जग को भरमाते हैं पंडित लोग, और क्या है, जनेऊ माला और टोपी धारण कर खुद
खुद को बहुत बड़ा और ज्ञानी कहते हैं या फिर समझते हैं। देखिए, जनेऊ सेली टोपी माला जे तस ओही, मतलब कि जे है सो वही है, जनेऊ माला टोपी सब एकदम पहन के लगता है पंडित ज्ञानी कवि का जो, मतलब कि लगता है कि वही सब कुछ है। जिस प्रकार, अब देखिए यहाँ क्या है, जिस प्रकार पंडित ज्ञानी कवि काजी मियाँ बड़ मौलवी का है, देखिए यहाँ क्या है, जिस प्रकार यहाँ काजी मियाँ अपने आप को मौलवी समझते हैं, ठीक उसी प्रकार काजी मियाँ, ठीक है, एक काजी मियाँ होता है वो उनमें टाइप होता है, ठीक है, इन द सेम वे जिस प्रकार काजी मियाँ अपने आप को मौलवी समझते हैं, इन द सेम वे, ठीक है, पंडित अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका ये, कतेव जीव इन जे सताई हो, दये धोखा घात करत पुनि जब देखहु ना आए। देखिए इनका क्या मतलब है कि इन लोग कितने जीव को सताए हैं और धोखा भी दिए हैं, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी देखने नहीं आते। कहने का अर्थ है कि इन लोग बहुत आदमी को सताए हैं और सता कर वो कितने कष्ट में है ये भी नहीं देखने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट स्टंजा, वेद पुराण फिरे की देवा हो, दे धोखा घात करी पुनी जब देख होना। कहने का मतलब वेद पुराण लेकर सबको धोखा देते रहते हैं, फिर एक कितेबा हो, मतलब वेद पुराण लेकर फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, दये धोखा घात, और वही फिर से धोखा देते हैं, और धोखा देने के बाद पुनी जब देख रहना है, मतलब कि फिर से उसे देखने भी नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेद पुराण फिरे कितेबा हो, गावत फिरे गुनगुनिया हो, दोनों दुनिया रिझा। देखिए यह क्या है, वेद पुराण लेकर घूमते हैं और घूमते घूमते गाते गुनगुनाते भी हैं, लोगों को लुभाते भी हैं, इस प्रकार से ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, कबीर कहे ई तो निबटे भुलाया हो, सुबरन सतगुरु करूं, है ना, दया हंसा ले हूं ना छुड़ाए। तो कबीर जी बोल रहे हैं कि ई लोग सही राह से भूल रहे हैं। कबीर जी सुबरन यानी कि कवि को ना बोल रहे हैं कि सतगुरु करे, दया मोह माया से छुड़ाए। इस प्रकार से उस सतगुरु कहने का अर्थ है कि रियल सतगुरु, क्योंकि आजकल जग में बहुत भटक रहे हैं, ठीक है, रियल सतगुरु करना बहुत जरूरी है, ठीक ना, तो आपको सतगुरु करना ही है। कठिन शब्द में है ये कि भाई जग का अर्थ होता है दुनिया, भरमाए का अर्थ होता है भ्रमित करना, ठीक है, कपट का अर्थ होता है छलिया झूठ, ना तस ओही मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है, तस ओही मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे मलिन मन, उससे पहले चलिए हम लोग इसका MCQ कर लेते हैं, और आपको ये कहाँ नहीं समझ में आया या फिर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। और दूसरी बात कि आपको इसी प्रकार से अपने बुक पे लिखना है, ठीक है, आप JCC ये LDC हो या फिर सहायक आचार्य 1-5 हो, JTET हो, आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि ये बुक पढ़ने हैं उसमें ना। चलिए, तो दूसरा जो है बनफूल भागवन, लेखक कौन है, ठीक है, सुबरन साय। फर्स्ट जो प्रश्न है, जग भरमाए कर लिखवैया के है कई, जग भरमाए कर लिखवैया के है कई, तो ये कौन है, आंसर हो जाएगा सुबरन, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, सुबरन कर लिखल कविता बनफूल भाग में है, तो सुबरन का लिखा हुआ कविता बनफूल भागवन में कौन सा है निम्न में से, सरस्वती वंदना, जग भरमाए, दोनों, या फिर कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, जग भरमाए ई कविता है ना कौन विधा में छपल आए, तो भक्ति धारा निर्गुण में, ठीक है, और सुबरन साय भी निर्गुण व्यक्तित्व के वो निर्गुण कवि थे, ठीक है, लेखक थे। नेक्स्ट, जग भरमाए कविता में कपटी के कहल गया है कि, तो कपटी जो है पंडित लोगों को कहा गया है ना। जग भरमाए पांचवा नंबर प्रश्न है, जग भरमाए कविता कर अनुसार जग को भरमाने का काम कौन करता है, तो जग को भरमाने का काम ऑप्शन नंबर सी, पंडित। नेक्स्ट, छह नंबर प्रश्न, पंडित लोग अपने आप को का धारण करके बहुत बड़ ज्ञानी समझते हैं, तो क्या समझते हैं, सोगे यानी कि टोपी माला जनेऊ ये सब पहन के अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं,
सातवां नंबर प्रश्न है, काजी मियाँ अपने आप को क्या समझते हैं? काजी मियाँ तो मौलवी समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, सेवन नंबर प्रश्न है, काजी मियाँ अपने आप को क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मौलवी समझते हैं, ठीक है। आठ नंबर प्रश्न, काजी मियाँ जिस प्रकार से अपने आप को मौलवी समझते हैं, ठीक उसी प्रकार पंडित अपने आप को का समझते हैं, तो क्या से समझते हैं? ज्ञानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कतिक, और मैं बताया था कि सिक्स से सेवन टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है पोएम से, वो आप एकदम माइंड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। कतिक जीव इनजे सताई हो, दई धोखा घात करत, उन्हीं जब देखा हूँ आए ना, ये पंक्ति कौन कविता से लेवल गले के? तो जग भरमाए से लिया गया है। नेक्स्ट, पांडे जग भरमाए कपट महा रूप भेख लखाए, ये पंक्ति कर लिखवैया के है कई? तो सोवरन, ऑप्शन नंबर ए। ग्यारह नंबर प्रश्न, अनेक जीव को सताए और धोखा दिलाए, सताकर और धोखा देकर कौन नहीं देखने आए? तो पंडित लोग करते हैं। बारह नंबर प्रश्न क्या है, पंडित लोग कौन कौन ग्रंथ लेकर व्यक्तियों को धोखा देते हैं? वेद पुराण, ठीक है, दोनों कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। तेरह नंबर प्रश्न है, जग भरमाए कविता में भरमाए कर अर्थ का होगी? ऑप्शन नंबर ए, भ्रमित करना। नेक्स्ट चौदह नंबर प्रश्न है, जग भरमाए कविता में जग कर अर्थ का होगी? तो जग कर अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ई, संसार होता है। नेक्स्ट है पंद्रह नंबर प्रश्न, कौन बोललै आजकल के जन सही राह से भुलाई गेल है? तो कबीर साहब, कबीर बाबा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, सोलह नंबर प्रश्न, तस ओही कर अर्थ का होवी? तो मेरे जैसा कोई नहीं, वेद पुराण फिरे कितेबा हो, कावत फिरे गुनगुनिया हो, दूनो दुनिया रिछाए ना, ये पंक्ति कर लिखवैया के है कई? तो सुब्रन सर। दोस्तों आपका यहाँ जो है ये क्लास कंप्लीट हुआ। अब क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करेंगे ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके उन्हें भी। पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281 पर। अभी जो है पीडीएफ का फी है ओनली 399 रखा हुआ है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और जीके जीएस पेपर साथ में लेते हैं तो 999 में आपको जीके जीएस प्लस आपको ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।